हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आई होप यू ऑल आर वेल हैप्पी हेल्दी एंजॉयिंग एंड लर्निंग सो लेट्स स्टार्ट अनदर लेक्चर ऑफ ह्यूमन आई एंड दी कलरफुल वर्ल्ड तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगर आपको याद हो तो और याद होना ही चाहिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ठीक है उसके कुछ हम लोग एप्लीकेशन देखेंगे नॉट एप्लीकेशन उसके उसके कुछ रिलेटेड uh, फिनोमिना जो हम ऑब्जर्व करते हैं और कभी कभी ऑब्जर्व करते हैं नॉट ऑलवेज नॉट एवरी डे तो उसमें एक है स्नेल्स विंडो एंड डेफिनेटली दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बस आपको अच्छी फीलिंग के लिए कि अच्छा चलो ऐसा भी होता है तो ये फील कराने के लिए और आपको पता होना चाहिए कि कहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा हो रहा है तो उसके उस बेस्ड कुछ फिनोमिना है उनके बारे में हम देखेंगे तो स्नेल्स विंडो जैसे स्नेल्स लॉ है ना तो वैसे ही स्नेल्स विंडो एक उन्होंने कंसेप्ट दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड और उसने उसको स्नेल्स विंडो कहा तो उसका जो कंसेप्ट है वो ये है कि जब आप कभी भी आप ट्राई करना किसी नदी में नहा रहे हो मान लो या फिर स्विमिंग पूल में हो तो आप पानी के अंदर जाओ आपकी आइज भी इन, वाटर के इनसाइड वाटर होना चाहिए और वाटर थोड़ा क्लियर होना चाहिए गंदा पानी रहेगा तो कुछ नहीं दिखेगा और फिर ट्राई टू सी दी आउटसाइड वर्ल्ड आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम इनसाइड वाटर आप पानी के अंदर रह गए आपकी आंखें पानी के अंदर होना चाहिए और उसके बाद आप आउटसाइड वर्ल्ड को देखने की कोशिश करो वो पूरा का पूरा जो आउटसाइड वर्ल्ड है ना वो आपको एक एक सर्कल के फॉर्म में एक सर्कल में सारा का सारा वर्ल्ड दिख जाएगा मतलब जो भी आसपास है ऐसा नहीं कि मैं पूरी दुनिया के यूनिवर्स की बात नहीं कर रही हूँ मैं आई एम टॉकिंग अबाउट जो भी बाहर की चीजें हैं बाहर की चीजें आपको पूरा एक हेमिसफेयर में दिखती है ना एक हेमिसफेयर में दिखती है आपको तो अंदर से आपको वो एक सर्कल में दिख जाएंगी ठीक है तो आप ऐसा मान सकते हो कि हेमिसफेयर का जो हेमिसफेयर है एक उसका नीचे एक सर्कल होता है तो उसी जैसे एक मटके के अंदर मटके से ठीक है ये आपका वर्ल्ड है और वो आपको इस सर्कल के अंदर दिख रहा है इस तरह का दिखेगा अब क्यों ऐसा दिखेगा भाई यहाँ पानी में हो, हो आप और यहां से आप देख रहे हो तो इस इस सर्कल के अंदर ही आपको सारा का सारा पूरा का पूरा वर्ल्ड दिख जाएगा पूरा का पूरा वर्ल्ड मतलब जो बाहर के अभी आपके नदी के बाहर के जो दुनिया है नॉट दी कंप्लीट वर्ल्ड की पूरा आपने अमेरिका भी देख लिया और जापान भी देख लिया और चाइना भी देख लिया नॉट दैट तो क्या होगा जो आपके आसपास के जो का जो सिनारियो है जो सारी चीजें आप पानी से निकल के जो आपको सारी चीजें दिखती हैं वो सारी की सारी चीजें आपको एक सर्कल में दिख जाएंगी सो वाई इट इज हैपनिंग पहली चीज मैंने आपको कहा था कि लाइट हमेशा अपना पाथ जो है रिट्रेस करती है रिट्रेस मतलब जिस पाथ पे वो गही गई, गई है उसको उसी पाथ से अगर ऐसे मान लो रिफ्लेक्ट होके ऐसे गई लाइट कहीं पे एक मीडियम से आई और फिर ऐसे गई अब यहाँ से अगर लाइट भेजोगे और यहाँ पे सिचुएशन सारी की सारी सेम है तो लाइट उसी पाथ से वापस आएगी सिंपल सी बात है ना आप इधर से लॉ ऑफ रिफ्रे रिफ्रेक्शन लगाओ या इधर से लॉ ऑफ रिफ्रेक्शन लगाओ सेटिस्फाई तो दोनों केस में सेम तरीके से करेगा इस केस में आप लिखोगे और यहां पे आप क्या लिखोगे ठीक है यहाँ पे आपने एंगल का नाम आर दे दिया यहाँ पे एंगल का नाम आई दे दिया तो आप लाइट को ऐसे भेजो या फिर ऐसे भेजो वो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ रिट्रेस मतलब फिर से उसी को ट्रेस करना फिर से उसी पे चलना तो अगर आप लाइट को ऐसे भेजते हो तो लाइट ऐसे भेजते हो और ऐसे गई तो जब उधर से ऐसे भेजोगे तो वो ऐसे आएगी क्लियर है अब मैंने कल आपको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रिफ्लेक्शन के लिए बड़ा सा डायग्राम बना के बताया था अब मैं उतना बड़ा डायग्राम नहीं बनाऊंगी बट स्टिल फिर भी बनाना पड़ेगा तो एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है ठीक है एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पे रखा हुआ है और उससे बहुत सारी जो लाइट है वो इस तरीके से जा रही है बहुत सारी रेज उससे ऐसे जा रही है ठीक है दीज आर दी रेज गोइंग फ्रॉम दिस ऑब्जेक्ट अब क्या होगा एक पॉइंट के बाद इसमें रिफ्लेक्शन हो जाएगा let's से यहाँ पे इस लाइट को जाना चाहिए था ऐसे ये चली गई ऐसे फिर इसको जाना चाहिए था इन दिस डायरेक्शन इट वेंट लाइक दिस ठीक है फिर ये, फिर ये ऐसे चली गई फिर ये ऐसे चली गई और ये मान लो ऐसे चली गई इन दिस डायरेक्शन और ये रिफ्लेक्ट होके आ गई इसका मतलब क्या हुआ और सेम तरह की चीजें इस साइड भी होंगी इस साइड भी क्या होगा ये हो गया आपका नॉर्मल वाला ला लाइट ये लाइट ऐसे जाएगी एंड इट विल गो लाइक दिस ठीक है दिस लाइट विल गो लाइक दिस दिस लाइट विल गो लाइक दिस ये ऐसे ये ऐसे और ये ऐसे एंड दिस विल गो इन दिस वे इसी तरीके से इस साइड भी होगा मैंने ज्यादा जगह छोड़ी नहीं मुझे ध्यान रखना चाहिए था ठीक है एक यहाँ बना देते हैं और, और मान लो ये आपका थोड़ा सा आ, ये जो डायग्राम है ना वो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा आई थिंक आई हैव टू मेक दिस अगेन कोई बात नहीं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों साइड से हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑब्जर्व करना है और उसका फिर रिजल्ट देखना है आप अपने पेपर पे ट्राई करो आप भी डायग्राम बनाने की कोशिश करो मेरे साथ साथ तो ये है हमारा जो है मिड पॉइंट है यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ठीक है उससे रेज ऐसे जो जाएंगी वो तो सीधे चली जाएंगी जो परपेंडिकुलरली फॉल होंगी ऑन दी सरफेस वो तो सीधी चली जाएगी इसके बाद एक रे ऐसी गई और इस साइड भी गई इस साइड गई इस साइड भी गई अगेन यहाँ पे तीसरी रे यहाँ पे भी तीसरी रे फिर ये चौथी रे और यहाँ पे ये यह चौथी रे और फिर इसके बाद ये पांचवी रे एंड हियर ऑल्सो दिस इज फिफ्थ वन तो ये रेज जो हैं इस तरीके से जा रही हैं वन टू थ्री फोर फाइव और इसके बाद क्या होगा अब आपको हर बार कैसे जाना चाहिए था वो बनाने की जरूरत नहीं है आपको बस इतना पता है कि ऐसे जाना था तो ऐसे जाएगी ठीक है तो आप वो डायरेक्टली भी, भी बना सकते हो बट नॉर्मल ड्रॉ करने में कोई बुराई नहीं है सो ये ऐसे जाएगी लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस एंड लाइक दिस क्लियर सो दिस इज गोइंग लाइक दिस वैसे ही यहां पर क्या होगा ये ऐसे जाएगी इट विल गो लाइक दिस इट विल गो इन दिस वे ये जाएगी ऐसे ठीक है लाइक इन दिस डायरेक्शन और ये जाएगी इन दिस डायरेक्शन ये हो गया आपका टी आई आर ये हो गया क्रिटिकल केस ये भी हो गया क्रिटिकल केस मतलब थीटासी वाला केस और ये हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला केस नाउ आप ये देखो ये जो लाइट है ये जो रे है ये लाइट ये जो रे है वो ऐसे जा रही है और ये ऐसे जाती रहेगी ना जब तक उसको कोई बीच में ऑब्जेक्ट डिस्टर्ब करने वाला ना मिले ऐसे जाती रहेगी इसका मतलब ये पूरा का पूरा कवर हो गया ये जो हेमोस्फियर था है ना यहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा वहां पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हो आप पानी के अंदर हो और इनसाइड साइड दॉटर लाइट uh, रेज या फिर लाइट uh, या फिर रेज आर ट्रेवलिंग फ्रॉम वॉटर टू एयर इसका मतलब डेंसर टू रेयर ठीक है सो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा अब यू कैन सी कि ये जो ये जो लाइट है वो ऐसे जा रही है ये जो रे है वो ऐसे जा रही है ये जो रे है वो ऐसे जा रही है, है, है इसका मतलब कि नाउ रिट्रेसिंग पे आते हैं तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है इस लाइन पे कोई भी यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा, रखा हुआ है इस लाइन पे ठीक है ना इस लाइन पे कोई भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ है

इन आंखों में क्या क्या दिखाई देगा इन आंखों को क्या क्या दिखाई देगा तो पहली चीज यहाँ इनफाइनाइट रेज देर आर इनफाइनाइट रेज राइट इसके बाद जो रेज जाएंगी वो तो अंदर ही आ जाएंगी इसके बाद जो रेज जाएंगी जाएंगी वो अंदर ही आ इसलिए मैं आगे का और नहीं बना रही हूं लेकिन यहां पे जो ऑब्जेक्ट था उससे जो रेज आएंगी वो इट विल ट्रेवल लाइक दिस और यहां चली जाएगी हम कहा से स्टार्ट करें यहां और एयर वाला बॉर्डर है इसके नीचे की चीजों की हम बात नहीं कर रहे हैं हमें बाहर का वर्ल्ड देखना है ना तो बाहर का वर्ल्ड देखना है मतलब वो यहां से शुरू होगा तो इस पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा इस लाइन पे जो ऑब्जेक्ट रखा होगा, वो इसके थ्रू दिख जाएगा हमें किस लाइन के थ्रू इससे रेज ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी और यहाँ से आकर के ऐसे चले जाएंगे यही पाथ है ना उस तो रे का तो रिट्रेस करते हुए ऐसी चली जाएंगी इस लाइन पे कोई ऑब्जेक्ट है मान लो इसको पूरा एक्सटेंड कर दो ऐसे ठीक है अब इनके बीच में जो ऑब्जेक्ट है यहां से इस लाइन के बीच में जो ऑब्जेक्ट होंगे इस एरिया में जो ऑब्जेक्ट होंगे, वो इस एरिया की इस रे के थ्रू दिख गया और वैसे ही इस बीच के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं वो आपको इन रेज के थ्रू दिख गए यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे लाइट ट्रेवल ऐसे होगी और ऐसे आ जाएगी वो भी आपको दिख गया यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे लाइट ऐसे सीधे पहुंच जाएगी आँखों में यहां पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे लाइट ऐसे जाएगी और फिर जाएगी और फिर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट होगा उससे लाइट ऐसे जाके इस तरीके से गई इसका मतलब इस पूरे बीच में वैसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट होंगे और उनसे बहुत सारी रेज निकलेंगी और इनकी इंटरमीडिएट बहुत सारी रेज बनेंगी यहाँ पे इनफाइनाइट रेज बनेंगी ना सो इनके बीच जो ऑब्जेक्ट रखे हैं इस रे और इस रे के बीच में जो ऑब्जेक्ट रखे हैं वो इस रे और इस रे के बीच से निकल के वहां पहुंच जाएंगे इसका मतलब पूरा का पूरा ऊपर का जो हाफ जो चीज था ये तो मैंने टू डी बनाया है ठीक है तो ऐसा ही पूरे चारों डायरेक्शन में होगा एक हेमिसफियर को आपने एक छोटे से सर्कल में देख लिया ठीक है तो यहाँ पे क्या होगा एक सर्कल फॉर्म होगा और उस सर्कल में आपको पूरे पूरे चारों तरफ की चीजें दिख जाएंगी ठीक है तो जो इनसाइड वॉटर वेन यू ऑब्जर्व या फिर जो एक फिश होती है एक फिश को क्या लगता है अ फिश लुक्स द आउटसाइड वर्ल्ड फ्रॉम फ्रॉम इन साइड वाटर जब वो पानी के अंदर होती है और वहां से जब वो आउटसाइड वर्ल्ड वर्ल्ड को देखती है तो पूरा का पूरा वर्ल्ड उसको एक सर्कल में दिखाई देता है इसमें दिखाई देता है सर्कल में दिखाई देता है इस पे बेस्ड लेंस भी बनते हैं कैमरा बनते हैं जिनको फिश आई लेंस बोला जाता है

इस इधर की चीजें इस लाइन के अलोंग इधर की चीजें मतलब यहाँ की चीजें इस लाइन के अलोंग तो आपको एक पूरे सर्कल में पूरे सर्कल में आपको बाहर की दुनिया दिख जाएगी तो बस कोशिश करना है कि पानी में जब रहो तो पूरा पानी में जा करके फिर ऊपर से देखने की कोशिश करो और जब आप डिफरेंट डिफरेंट डिस्टेंस पे होंगे अगर आप इस डिस्टेंस पे हैं तो आपको डिफरेंट रेडियस का दिस इज दन पॉइंट दिस इज अनदर पॉइंट है ना जिससे अच्छा नहीं ये वाला पॉइंट है क्रिटिकल एंगल वाला पॉइंट ये है तो दिस इज सर्कल जिसमें आपको और ये हो जाएगी रेडियस दिस विल बी द रेडियस ठीक है तो दिस इज दिस सर्कल जिसमें आपको बाहर की दुनिया दिख जाएगी नाउ दिस रेडियस विल डिपेंड ऑन कि आप कहाँ पे हैं अगर आप यहाँ पे यहाँ से ऑब्जर्व करोगे आपको अलग तरीके से दिखेगा अगर आप और नीचे जाकर के ऑब्जर्व करोगे तो और अलग तरीके से दिखेगा क्लियर है तो यह है स्नेल्स विंडो बाकी इस इसपे क्वेश्चन आते हैं एक दो क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे नॉट नाउ इन क्लास ट्वेल्थ ठीक है तो इस इसपे क्वेश्चन आते हैं Uh, आते हैं मतलब एक आध बार आया हुआ है सो दिस इज स्नेल्स विंडो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग था मैंने मुझे लगा कि आपको इंटरेस्ट आएगा आपको अच्छा लगेगा कि अच्छा आपको सारी की सारी चीजें एक सर्कल में दिख जाती हैं कभी ट्राई करने की कोशिश करना तो दिस इज द स्नेल्स विंडो दूसरा जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन का जो दूसरा फिनोमिना जो हम डेली लाइफ में देखते हैं दैट इज रेनबो फॉर्मेशन उसमें क्या होता है उसमें आपका जो सेवन जो आपका वाइट लाइट है सन से जो वाइट लाइट आता है वो सेवन कलर्स में ब्रेक भी होता है वहां पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है और रिफ्रेक्शन भी होता है तो ये सारी प्रोसेस मिलाकर के फिर हमें रेनबो दिखाई देता है ठीक है तो हम दूसरा केस देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन ऑफ रेनबो सो जस्ट आई राइट रेनबो तो रेनबो के केस में क्या होता है कि जब सनलाइट ठीक है बारिश हो रही है और सनलाइट भी है रेनबो आपने तभी देखा होगा जब बारिश और रेन सनलाइट uh, और बारिश दोनों साथ में हो रहे होते हैं ठीक है और आपने देखा होगा कि सन आपके पीछे रहता है इस अगर रेनबो को देखना है आपको रेनबो को अगर आप देखते रहोगे तो यू ऑब्जर्व करना कि रेनबो इधर रहता है तो सन पीछे रहता है रेनबो अगर इधर है तो सन इधर रहता है ठीक है तो होता क्या है कि सन से व्हाइट लाइट आई पहले uh, you, आई एक्सप्लेन यू वर्बली सन से व्हाइट लाइट आई तो वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वाटर ड्रॉपलेट्स कुछ ऐसे ही शेप के होते हैं प्रिज्म टाइप के शेप के है ना ऊपर से पतले नीचे से थोड़े मोटे तो प्रिज्म टाइप का हल्का सा, like तो दे so uh, दिया नाउ उसके बाद जब जैसे व्हाइट लाइट एंटर करती है इन दी वाटर ड्रॉपलेट ठीक है तो वो क्या करता है उसको सेवन कलर्स में बिखेर देता है और फिर सेवन कलर्स उधर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है फिर रिफ्लेक्शन होता है और बाहर हमें फिर सेवन कलर्स दिखाई देते हैं वन सेक ओके सो पहले सेवन कलर्स में टूटेगा उसके बाद फिर वहां पे जाकर के जो है पहले रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा फिर रिफ्लेक्शन होगा फिर बाहर लाइट आएगी और हमें सेवन कलर्स दिखाई देंगे और ऐसे बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट से होता है तो पूरा हमें एक रेनबो फॉर्मेशन दिखाई देता है तो बेसिक चीज एकदम आपसे पूछ सकता है आपके सीबीएसई बोर्ड में मतलब सीबीएसई एग्जाम में कि रेनबो कैसे फॉर्म होता है तो जैसे यहाँ पे मान लो सन है ठीक है सन ऐसे ही बनाते हैं ना चलो उसको स्माइल करता हुआ सन बना देते हैं तो सन से यहाँ पे रेज आई इस तरीके से रेज आई मतलब राइट uh, right? अब ये अगर सर्कल है तो सर्कल से आपको इसके सर्फेस पे अगर नॉर्मल बनाना है सर्कल के सेंटर से मतलब सर्कल के सेंटर से अगर हम ज्वाइन करते हैं तो नॉर्मल बनता है अगर यहाँ पे मैंने इसको ऐसे ज्वाइन किया तो दिस विल बी द नॉर्मल ऑन द दर्फेस इतना तो पता होगा आपको सर्कल की प्रॉपर्टीज के बारे में कि सर्कल से सेंटर सर्कल से, से, से के सेंटर से सर्फेस से पे ज्वाइन करो तो वो उस सर्फेस पे नॉर्मल बनाता है उस पॉइंट पे वो नॉर्मल बनाता है तो लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुई तो इंसिडेंट पॉइंट पे हमें नॉर्मल बनाना पड़ेगा तो नॉर्मल बनाएंगे तो कैसा बनेगा नॉर्मल कुछ इस तरीके से नॉर्मल बनेगा नाउ लाइट को जाना चाहिए था इन दिस डायरेक्शन है ना ऐसे जाना चाहिए था इसको बट इट विल बेंड बेंड हो जाएगी अब हम यहाँ पे बेंड होगी सेवन कलर्स में वो बिखर जाएगी सेवन कलर्स में बिखर के कैसे तो यहाँ पे पहले जो पहले बना लेते हैं रेड तो इसको जाना चाहिए था इस तरीके से इट वॉज सपोज टू गो इन दिस डायरेक्शन तो ये हो गया रेड लाइट और ये हो गया वायलेट लाइट ठीक है मैंने कुछ ज्यादा ही दूर दूर बना दिया है इतना दूर दूर नहीं बनता है क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट कितनी छोटी सी होती है बट स्टिल वो फर्क पड़ता है वो भी उतना बड़ा काम करके दिखा सकती है रेनबो फॉर्मेशन का तो यहाँ पे क्या है दिस इज रेड लाइट ट लाइट अब यहाँ पे फिर से क्या होगा इस पॉइंट पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी तो दिस इज डेंसर मीडियम दिस इज रेयर मीडियम दिस इज वाटर दिस इज एयर तो यहाँ पे हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए पहले यहाँ पे नॉर्मल बना लो ठीक है नॉर्मल बना लो मतलब बनाना होगा तो बना लो वैसे नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा सो ये रेड लाइट जो है इट विल गो लाइक दिस ट लाइट विल गो लाइक दिस हो गई आपकी वायलेट लाइट ठीक है और इसके बाद फिर से यहां पे क्या होगा फिर से uh, एक बार रिफ्रेक्शन होगा क्योंकि एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है ना तो फिर से यहां पे होगा रिफ्रेक्शन तो इसको दिस वॉज सपोज टू गो इन दिस डायरेक्शन लेकिन ये इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल और दिस वॉज सपोज इन दिस डायरेक्शन दिस विल ऑल्सो बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल तो यह हो गया आपका दीज आर दी टू नॉर्मल्स और ये है आपका रेड लाइट ये है वायलेट लाइट और इसके बीच में सारे के सारे सेवन कलर्स होंगे तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ रेनबो फॉर्मेशन रेनबो फॉर्मेशन पहले यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ उसके बाद कलर सात कलर में टूट गया और फिर यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ एंड उसके बाद यहाँ पे फिर से रिफ्लेक्शन हुआ और बाहर जो लाइट है सेवन कलर्स और आप यहाँ कहीं पे खड़े होंगे ठीक है यहाँ पे आपकी आंखें होंगी आप एकदम स्माइल करके देख रहे होंगे कि वाह रेनबो दिखा ठीक है और ये आपकी आंखों में आएगा और आप देखोगे कि अच्छा सन अब पीछे है सन से लाइट आई और ये सब हुआ और आपकी आंखों में पड़ा सन कहाँ है इट इज एट दी बैक ऑफ योर हेड आपके सिर के पीछे है तो दिस इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का अनदर फिनोमिना तीसरा होता है मिराज मिराज आपने अगर सुना हो मिराज जैसे गर्मियों के दिनों में जब आप सड़क पे uh, कहीं पे जा रहे होते हैं तो आपने देखा होगा कि सामने ऐसा लगता है कि वहां पे कहीं रोड पे पानी है ठीक है अगर रोड के आसपास अगर ट्रीज हैं तो वहां पे ऐसा लगता है पानी है ठीक है और जैसे जैसे आप पास जाते जाते हो जैसे जैसे आप पास उसके ट्रेवल कर रहे होते हो तो धीरे धीरे वो पानी शिफ्ट होता हुआ दिखाई देता है ऐसा लगता है कि पानी और दूर जाते जा रहा है हम उसके पास जा रहे हैं वो और दूर जा रहा है तो क्या वहां पे एक्चुअल में पानी होता है यहां से हमको लगा कि वहां पानी है वहां जाकर के देखा तो वहां पानी था ही नहीं फिर ऐसा लगा नहीं आगे पानी है तो चलो ये तो ऐसा है कि हम किसी कार में बैठ करके ट्रेवल कर रहे थे नाउ इमेजिन कि भाई कोई जो एनिमल्स हैं जो डेजर्ट में रहते हैं ऊंट वगैरह ठीक है या फिर जंगलों में जो एनिमल्स रहते हैं और बहुत एकदम समर का एकदम गर्म दिन है गर्मी वाले दिन है और उस टाइम उसको बहुत जोर की प्यास लग जाए और उसको ऐसा दूर पे पानी दिखे तो बेचारा तो बहुत दौड़ दौड़ के जाएगा और उसमें तो इतना दिमाग है नहीं उसको इतना पता नहीं कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा है वो वहां पे जाएगा उसको वहाँ पानी नहीं दिखेगा फिर उसको दूर पानी दिखेगा फिर वहां जाएगा फिर पानी नहीं मिलेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं मृग तृष्णा भी बोलते हैं कि एक हिरण जंगल में घूम रहा होता है पानी की खोज में उसको लगता है वहां पानी है वहां जाता है तो वहां भी नहीं फिर उसको लगता है वहां पानी है और आगे वहां जाता है तो वहां भी नहीं तो बेचारा वो घूम घूम के परेशान होता रहता है और एट दी एंड हो सकता है थक के हार जाए बैठ जाए और उसके बाद उसको पानी अगर नहीं मिला तो देन गॉड नो कि क्या होगा तो दिस हैपन्स उसी को हम बोलते हैं मिराज मृग तृष्णा क्लियर सो इसमें क्या होता है इसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का क्या रोल तो लेट्स से कि यहाँ पे कोई यहाँ पे कोई ट्री है ठीक है कोई ट्री है यहाँ पे और आप यहाँ कहीं खड़े हैं अब जो हॉट समर डेज होते हैं उसमें जो जमीन की जमीन के पास की जो एयर होती है जमीन के पास की एयर बहुत गर्म रहती है हॉट एयर और यहाँ पे जो एयर रहती है दैट इज कूल एयर और जैसे जैसे आप इस एयर से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे जो एयर का टेम्परेचर है वो कम होता जाएगा हॉट एयर फिर थोड़ा कम फिर थोड़ा कम फिर कूल cool, फिर कूल cool, ऐसे करके नाउ, पे क्या हो रहा है? कि ये जो हॉट एयर है हॉट एयर की डेंसिटी कम होती है तो दिस इज रेयर मीडियम रेयर मीडियम और दिस इज डेंसर मीडियम थोड़ा और ऊपर बना लेते हैं कूल एयर दिस इज डेंसर मीडियम नाउ यहाँ पे ऐसी लेयर्स होती हैं लेयर्स मतलब भाई हर हर थोड़े थोड़ी देर में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है ना तो हर थोड़े थोड़े देर में जो अः uh, डेंसिटी है दिस डेंसिटी इज डिफरेंट बट यहाँ पे ऑप्टिकल डेंसिटी uh, आप इलेवेंथ में पढ़ेंगे ठीक है कोई बात नहीं तो यहाँ पे क्या होता है कि बच्चे समझते हैं कि ऑप्टिकल डेंसिटी और जो मास डेंसिटी है वो सेम टाइप की चीज है नहीं नहीं ऑप्टिकल डेंसिटी एंड मास डेंसिटी आर नॉट सेम मास डेंसिटी मतलब कितना ज्यादा मास भरा हुआ है ऑप्टिकल डेंसिटी इज इज डिफरेंट डिफरेंट ऑप्टिकल ऑप्टिकल डेंसिटी 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 मतलब density जो लाइट है उसके रिस्पेक्ट में कि लाइट के साथ वो मटेरियल कैसा बिहेव करता है तो स्टिल दिस हैज लेस मोर ऑप्टिकल डेंसिटी दिस इज दिस हैज लेस ऑप्टिकल डेंसिटी अब यहाँ पे क्या होगा लाइट रेज जो है इसको क्या होता है कि अगर आपको किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो सीधे उससे लाइट रेज आपकी आंखों में आती है और उसकी इमेज रेटिना पे बनती है दैट्स इट यहाँ पे क्या होगा कि हॉट एयर सनी सनी डेज में क्या होगा हॉट सनी डेज में क्या होगा कि लाइट यहाँ से जो आ रही होगी वो डायरेक्टली आपकी आंखों में नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पे देर इज अ चेंज ऑफ मीडियम तो वो उसमें देर विल बी अ रिफ्रेक्शन ठीक है तो वो लाइट डिफरेंट तरीके से ट्रेवल करके आएगी तो लेट्स से यहाँ से एक रे आ रही थी इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर देते हैं इधर तो यहाँ से एक ये इसके टॉप ऑफ टॉप पॉइंट से या फिर यहाँ से एक रे आ रही थी अब ये डेंसर मीडियम है रेयर मीडियम है तो किस साइड बेंड हो जाएगी इट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल ठीक है ये ऐसे आ रही थी लेकिन थोड़ा सा झुक 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 गई 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 फिर फिर ऐसे जाना जाना चाहिए चाहिए था था और गई। और गई है ना इसको इन दिस वे और झुक गई इसके बाद फिर क्या होता है ऐसी बहुत सारी लेयर्स होती हैं और अगर इसको बड़ा बनाते तो बहुत सारी लेयर्स होती है लेयर्स uh, होती ठीक है तो ये ये यहाँ पे क्या होगा पहले झुकी फिर झुकी फिर झुकी अब यहाँ पे मान लो दिस इज दी क्रिटिकल एंगल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए क्या चाहिए क्रिटिकल एंगल तो क्रिटिकल एंगल से भी ये एंगल अगर बड़ा हो गया क्रिटिकल एंगल एंगल से भी ये अगर बड़ा हो गया तो ये लाइट क्या हो जाएगी इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्ट होने की बजाय ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी कैसी हो गई रिफ्लेक्ट होके चलेगी ये है आपका मीडियम अभी डेंसर वाला पिछले केस में हमने डेंसर मीडियम नीचे बनाए थे तो कंफ्यूज नहीं होंगे ये पहले रिफ्लेक्ट हो रही थी लाइट और फिर रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट uh, हो गई क्लियर है बट यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर जाएगी इसकी हाइट इस आ, बंदे की हाइट हमें ज्यादा बनाना पड़ेगा तो या तो इस बंदे की हाइट ज्यादा बना लेते हैं या फिर एक काम करते हैं इसको और एक लेयर पे हम लोग मान लेते हैं कि दिस इज नॉट ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल इसको और एक बार रिफ्लेक्शन यहाँ पे करा लेते हैं बंदा यहाँ खड़ा है या फिर उसकी हाइट हम बना लेंगे अकॉर्डिंगली इसको जाना चाहिए था इन दिस वे बट ये और हो जाएगी अवे फ्रॉम नॉर्मल और ये इस तरीके से जाएगी और इसके बाद फिर इस पॉइंट पे उसका हो जाएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऐसे हो जाएगा और लेट्स से कि वो जो बंदा है वो यहां खड़ा है उसकी आंखें अगर इस जगह पे हैं ठीक है उसकी आंखें अगर इस जगह पे हैं तो लाइट इस तरीके से आई उसकी आंखों में ठीक है यहां से लाइट आई बेंड 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 हुई 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 फिर हुई, फिर, हुई, फिर हुई, और यहां पे अब रिफ्लेक्शन नहीं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया और लाइट यहां से आ रही है लाइट इज कमिंग इन दिस डायरेक्शन लाइट को आना चाहिए था डायरेक्टली इस तरीके से वो तो आएगी ही आएगी ठीक है वो तो एक एक तो कुछ कुछ एंगल्स ऐसे होंगे कुछ एंगल्स ऐसे होंगे या कुछ रेज ऐसी होंगी जिन रेज के लिए वो कैसी हो जाएगी इट विल गेट टोटल इट विल गेट रिफ्लेक्टेड टोटली इंटरनली लेकिन कुछ लाइट्स जो है डायरेक्टली आएंगी तो वो ट्री जैसा का वैसा तो दिखेगा लेकिन इसकी जो एक इमेज है वो भी क्या होगा जब भी हम कहीं से लाइट आती हुई दिखती है तो हमको हमारी आंखों को ऐसा लगता है कि लाइट ट्रेवल्स इन दी स्ट्रेट लाइन तो हमको ऐसा लगता है कि अगर लाइट यहाँ से आ रही है मतलब वहां कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा तो इसको अगर पीछे एक्सटेंड करो आप आपको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे इस ट्री का इमेज बन रहा है, है ना ये वाला पॉइंट जो भी है यहाँ पे बन रहा है ठीक है तो यहाँ पे आपको उसकी इमेज दिखाई देगी और इसी तरीके से ये जो बादल है बादल से जो लाइट आने वाली थी वो भी इट विल गेट टोटल रिफ्लेक्टेड टोटली इंटरनली और उसकी भी इमेज यहाँ पे आपको दिखेगी और जिसकी वजह से आपको क्या लगता है ठीक है यहाँ पे कहीं इस जगह पे इमेज दिखेगी इसकी वजह से आपको क्या लगता है कि यहाँ पे नीचे क्या है पानी है तो वो जो बादल का जो रिफ्लेक्शन uh, है रिफ्लेक्शन ड्यू टू वॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तो बादल का जो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है दैट मेक्स मेक्स यू थिंक कि यहाँ पे पानी है ठीक है तो बेसिकली क्या हो रहा है कि लाइट यहाँ से आई और ये सीधे सीधे नहीं आके ये बेंड होके आई लाइट इस तरीके से आ रही है रेस इस तरीके से आ रही है कैसे यहाँ पे यू के फॉर्म में ये बेंड हो गई है ठीक है और यहाँ पे बहुत सारी लेयर्स होती है मैंने तो गिन के तीन चार लेयर्स बनाई बहुत सारी लेयर्स होती हैं तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से यहाँ पे हमें मिराज इफेक्ट दिखाई देता है और ये मिराज इफेक्ट अगर यही चीज डेजर्ट में हो तो इतना स्ट्रांगली होता है कि पूरा लगता है वहां पे पानी है क्योंकि डेजर्ट में वैसे भी पेड़ कम होते हैं बादलों का रिफ्लेक्शन आपको जमीन पे दिखेगा और आपको लगेगा वहां पानी है और फिर आप वहां जाओगे पानी ही नहीं मिलेगा सो दिस हैपन्स अलॉट विद द एनिमल्स इन द डेजर्ट सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और जो हम कभी कभी ऑब्जर्व कर सकते हैं रेनबो भी कभी कभी दिखता है ये भी कभी कभी दिखता है स्नेल्स विंडो आप ट्राई करना नेक्स्ट टाइम यू गो इन दी वॉटर ठीक है तो चलो आज के लिए इतना ही वी हैव डिस्कस दी थ्री केसेज ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन दैट वी ऑब्जर्व अराउंड अस एंड आई होप ऑल दीज थिंग थिंग्स आर क्लियर टू यू यहाँ पे भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और स्नेल्स विंडो में भी एक पॉइंट के बाद लाइट वापस इधर आती है तो रिट्रेस करेंगे तो क्या होगा इस सर्कल में आपको सारी दुनिया दिख जाएगी बाहर की और दूसरा ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है उसकी वजह से आपको अंदर का भी दिख जाएगा और अंदर लगभग सब कुछ डार्क होता है तो इसलिए आपको उसके बाहर सब कुछ डार्क दिखेगा ये जो सर्कल है ठीक है इस यहाँ पे इस सर्कल में आपको सब कुछ बाहर का दिख जाएगा और इसके बाद की जो लाइट है वो ये लाइट ऐसे गई और ऐसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया ऐसे गई टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया अब इस लाइट को अगर यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा होगा होगा इनसाइड साइड वाटर तो वो रेज ऐसे भेजेगा तो इस पे आएगी तो यहाँ पे फिर उसको डार्क डार्क दिखता है क्योंकि पानी के अंदर तो फिर सब कुछ नीचे काला काला ही है ना काला काला है एज इन वहां पे बहुत ज्यादा रोशनी नहीं है तो आपको सब कुछ डार्क ही दिखेगा तो इसके इस वजह से इसके आसपास सब कुछ डार्क दिखता है और यहाँ पे आपको बाहर की सारी चीजें दिखाई देती है सो दिस इज अबाउट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बाकी के बचे टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास थैंक यू